चेतना है तो चेत ले, चेतना है तो चेत ले। निस दिन मैं प्राणी, निस दिन मैं प्राणी, चेतना है तो चेत ले, चेतना है तो चेत ले। छिन छिन याद बिहात है, छिन छिन याद बिहात है, फूटे घट जो पानी, फूटे घट जो पानी, चेतना है चेतना है तो चेत ले। हर गुण का है ना गावही, हर गुण का है ना गावही, मूर्ख अज्ञाना, मूर्ख अज्ञाना, झूठे लालच लाग के, झूठे लालच लाग के, नह मरन पुछाना, नह मरन पुछाना, चेतना है तो चेत ले, चेतना है तो चेत ले। आज हम कछ बिगड़ो नहीं, आज हम कछ बिगड़ो नहीं, जो प्रभु गुण गावे, जो प्रभु गुण गावे, कहो नानक ते भजन ते, कहो नानक ते भजन ते, निर्भय पद पावे, निर्भय पद पावे, चेतना है चेत ले, चेतना है तो चेत ले। निस दिन मैं प्राणी, छिन छिन याद बिहात है, फूटे घट ज्यो पानी, फूटे घट ज्यो पानी, चेतना है तो चेत ले, चेतना है तो चेत ले, चेतना है तो चेत ले, चेत ले। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। तेग बहादुर धर्म तुज हरता तुरकन मूल, चरण शरण तारण तरन
नमो होए अनुकूल। समुचा जगत गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पिता महाराज जी दे 400 साल प्रकाश दिहाड़े नू बहुत श्रद्धा भावना बड़े प्रेम सहित मना रहा है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अपनी रचना विच ये जिक्र किया है कि तेग बहादुर सी किरिया करी ना किन्हू आन, कि गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी दे वर्गा कौतक होर किसे ने नहीं किया। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी दे बाबत लाला दौलत राय जी बड़ा सोहना उच्चारण करते ने। वो लिखते हैं कि मैं बहुत बार ये एक अखाण सुनिया सी कि उल्टी गंगा बहाउणी, पर मैनू ये अर्थ चंगी तरह समझ नहीं सी आए। वो लिखते ने आज तक जे तो सुना है कि कातल मकतूल के पास जाए, ये नहीं कि मकतूल कातल के पास जाए, जे करके गुरु तेग बहादुर जी ने उल्टी गंगा बहा दी। देखो जड़ा ये बहुत बड़ा धर्म हेत साका जन की आ। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ने एक सोहना नगर आनंदपुर वसाया सी, उस दा पहला नाम चक नानकी अपने माता जी दे नाम ते नाम रख्या सी नगर दा। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने पटना साहब की धरती तो आ के गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं अपने पिता जी नूं आनंद साहब बाणी दा पाठ सुनाया ते उस नगर दा नाम उत्थों आनंदपुर रख दिता। आनंदपुर की धरती ते कश्मीर तो एक कृपा राम पंडित उहदे नाल बहुत सारे कश्मीरी ब्राह्मण चल के आए, क्योंकि औरंगजेब बहुत जुल्म कर रहा सी, धर्म परिवर्तन कर रहा सी। ते ओ कृपा राम दा जिहड़ा संबंध है गुरु घर दे नाल, ओ गुरु नानक देव महाराज दे समें तो सी। पटवईयां दे विच ये जिक्र है कि कृपा राम पोता अड़ू राम, कृपा राम पुत्र अड़ू राम, पोता नारायण दास, पड़पोता ब्रह्म दास। सो जदों कृपा राम सारे आए, गुरु तेग बहादुर साहब जी दे अगे बेनती की कि साडा धर्म खतरे विच है, औरंगजेब धक्के दे नाल जुल्म कर रहा है, जंजू ला रहा है, इस्लाम दे विच लोकां नूं लिया रहा है। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ने उन्हां दे नाल खड़े होण दा मन बनाया ते गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पिता महाराज जी नूं असीस दे के महाराज धन गुरु तेग बहादुर साहब जी दिल्ली वल रवाना हो जांदे ने। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी नूं चांदनी चौक दे विच ले जाया जांदा है। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी नूं जलाद जलालुद्दीन कई तरह के नाल डराउण दा यतन करदा है, तलवार घुमाउंदा है, कदे महाराज दे खब्बे कन्न कोल दी, कदे सज्जे कन्न कोल दी, कदे महाराज दे बिल्कुल ऐं नक्क कोल दी, बड़ी तेज़ वो तलवार घुमाउंदा है। पर गुरु तेग बहादुर साहब जी उत्थे खिड़ खिड़ा के हस पए। उंज महाराज दा जीवन इन्ना उन्हां दा खमोश बहुत त्याग ते विराग दी मूर्त रहे ने। एक विद्वान लिखदा है कि मैनू इउं लगदा है भी गुरु तेग बहादुर साहब जी सारी उम्र बहुता वो खिड़ खिड़ा के कदे हसे नहीं, एक बार हसे। पुछण वाले ने पूछा भी कदों हसे, भी जदों उन्हां नूं गुरता गद्दी मिली उदों हसे, कहिंदे नहीं, जदों उन्हां दे उत्ते धीरमल ने हमला कीता वो हमले दे विच बचा हो गया उदों हसे, कहिंदे नहीं। फिर कदों हसे, कहिंदे जदों जलाद जलालुद्दीन तेग चला रहा सी ना उदों महाराज खिड़ खिड़ा के हसे, ते उस जलाद नूं आखदे ने मैं हाँ तेग, कढ़ लै तेग तूं भी, एक दो नहीं परख लै सौ तेगां, मैं तां जमदिआं तेगां दी छां माणी, वेख पिता दीआं पहनियां दो तेगां, आउंदे भविख अंदर मेरे पुत ने वाहुणियां उह तेगां, उहदी तेग विच्चों जिहड़ी तेग निकलू लखां लऊगी तेरियां खोह तेगां। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ने जदों उन्हां दे जिहड़ियां शर्तां नूं सुणिया भी चाहे ते तुसीं करामात विखाओ, जां तुसीं इस्लाम कबूल कर लो, जां तुसीं मरन वास्ते तैयार हो जाओ। गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पिता महाराज जी ने ये महान साका वरताउण दा पूरा पक्का दृढ़ निश्चा कर लिया,
महाराज जी ने कहा कि करामात गुरु घर विच कहर दा नाम है, तो दीन त्यागण दा सवाल ही पैदा नहीं हुंदा। मौत तो असी कदे घबराउंदे नहीं, क्योंकि चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए। तो गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पिता महाराज जी ने यह बहुत वड्डा महान साका वरताया। चांदनी चौंक दे विच गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पिता महाराज जी दे सीस नूं जलाद जलालुद्दीन ने तेग दा वार करके अलग कर दिता। साका जिहड़ा है वह असी वेखदे आ, इहदे विच चार चीज़ां दा सुमेल है, एक कातल, कतल, मकतल ते मकतूल। कातल जिहड़ा कतल करन वाला है, अते कतल एक घटना जिहड़ी उस थां ते वापरदी है। जिस थां ते इह कतल दी घटना वापरदी उहनूं मकतल कहा जांदा है, ते जिस दा कतल हुंदा उहनूं मकतूल कहा जांदा है। यह जदों चार चीज़ां दा सुमेल हुंदा है फिर यह साका वापरदा है। गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी मनुखी हक्कां दे बहुत वड्डे पहरेदार सन। उन्होंने ये एक दूजे दे धर्म की रक्षा वास्ते बहुत वड्डी कुरबानी करके एक मनुखी हक्कां दे प्रति सारे जगत नूं जागरूक किया। गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पिता महाराज जी नूं असी सच्ची श्रद्धांजलि तद ही दे सकते हाँ जे असी अपने जीवन नूं तां सोहणा बनाउणा है पर हमदर्द बन के परोपकारी जीवन बतीत करिए। गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पिता महाराज जी नूं सारे ही असी उन्हां दी महान शहादत नूं कोटान कोट प्रणाम करते हाँ जी। हर के नाम बिना दुख पावे, हर के नाम बिना दुख पावे। हर के नाम बिना दुख पावे, हर के नाम बिना दुख पावे। भगत बिना सहसान चूके, भगत बिना सहसान है चूके। गुर ए भेद बतावे, गुर ए भेद बतावे, गुर ए भेद बतावे। हर के नाम बिना दुख पावे, हर के नाम बिना दुख पावे। कहाँ भयो तीर्थ व्रत किए, कहाँ भयो तीर्थ व्रत किए। राम शरण नहीं आवे, राम शरण नहीं आवे। जोग जग ने फल ते मानो, जोग जग ने फल ते मानो। जो प्रभ जस बिसरावे, जो प्रभ जस बिसरावे, जो प्रभ जस बिसरावे। हर के नाम बिना दुख पावे, हर के नाम बिना दुख पावे। मान मो दोनों को
पर हर मान मो दोनों का पर हर गोविंद के गुण गावे गोविंद के गुण गावे कहो नानक ए बिद को प्राणी कहो नानक ए बिद को प्राणी जीवन मुक्त कहावे जीवन मुक्त कहावे जीवन मुक्त कहावे जीवन मुक्त कहावे हर के नाम बिना दुख पावे हर के नाम बिना दुख पावे भगत बिना सहसाना चूके गुर ए भेद बतावे गुर ए भेद बतावे हर के नाम बिना दुख पावे हर के नाम बिना दुख पावे हर के नाम बिना दुख पावे।